Hi viewers, in this video we will discuss about a very interesting and very advanced topic, the quarks. इस वीडियो में हम क्वार्क रिलेटेड एनसीईआरटी 12 फिजिक्स के 11 चैप्टर के दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में कि आपको क्वार्क के बारे में आपके लेवल के रिलेटेड आई मीन फिट टू योर लेवल सम इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर आइडिया देने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली क्वार्क इज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जब जैसे हमने पहले बोला भी है कि दो न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे जो आपके प्रिपरेशन बोर्ड प्रिपरेशन या फिर आपके ओवरऑल फिजिक्स नॉलेज एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. So let's dive into the microscopic, the unveiling secrets of quark. Have you ever wondered what makes up the very building blocks of matter? Today we are embarking on a journey into the astonishing small world of quarks, the fundamental particles hidden within the protons and neutrons. These elusive quarks are believed to possess fractional charges, unlike the whole number charges we are टिपिकली एनकाउंटर. तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू है तो मैं पहली बार दूसरी बार एक बार बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो क्वार्क से बनते हैं और उनका जो चार्ज होता है वो सरप्राइजिंगली इंटीजर नहीं होता है, वो क्या होता है, फैक्टर्स होता है. बट व्हाई डिड नॉट दे शो अप इन मिरेकल्स फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. जिनको पता है मिरेकल ऑयल ड्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बस थोड़ा हिंट थोड़ा बस बता दे रहा हूँ. यह कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया जा सकता है. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया जा सकता है उसमें क्वार्क का चार्ज क्यों नहीं पता किया जा सकता है, वाई इज इट सो. तो इस क्वेश्चन के बारे में भी इस प्रॉब्लम में हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. The answer lies in a fascinating property called the confinement and limitation of the traditional experiment, but fear not, science has found a way in 1970s where scientists at Stanford used powerful tools, high energy electron beams, to unveil the quark structure of protons and neutrons. Prepare to be amazed as we explore the science behind these electron beams. Will we delve into the connection between wavelength and energy and estimate the incredible amount of power needed to probe the structures as tiny as 10 to the power minus 15 meters. So buckle up and get ready to explore the captivating realm of quarks and where the laws of physics take on a whole new meaning. Basically kya hai, quark ko probe kiya gaya tha high energy electrons ke sath aur jo quark ka डायमेंशंस होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, 10 to the minus 15 मीटर. इन माई प्रीवियस वीडियो, टू ऑफ माई वीडियोज आई हैव ऑलरेडी आस्क यू द क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली 1 femtometer इज. इन दिस वीडियो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. एक्चुअली 10 to the minus 15 मीटर इज ए femtometer, इज कॉल्ड द femtometer. एंड इस रेंज में हमें प्रोब करने के लिए कितना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चाहिए ये भी हम इसका एक आइडिया हमें इस वीडियो में लग जाएगा बाई सॉल्विंग टू एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स. Before going to the problem, I will just present you a hierarchy of matter constituents. Basically, matter को जब हम तोड़ते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, what will we get if I broke the matter. So matter मतलब कोई भी चीज़ आप ले लो, आपका bottle ले लो, आपका हाथ ले लो, box ले लो, कुछ भी ले लो. So matter is made up of collection of molecules. Matter को तोड़ोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा. मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एटम्स मिलेंगे, राइट. अब एटम्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिलेगा. न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ क्वेश्चन इज दैट अप टू दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े नहीं हो, इवन चैप्टर को ही नहीं, अगर आप इस प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को देखे नहीं होंगे
तो मोस्ट ऑफ द पर्सन मे नॉट बी नोइंग अबाउट कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी तोड़ सकते हैं और उसके अंडर भी कुछ होता है, एंड उसके अंडर क्या होता है, क्वार्क होता है, जो अभी हमने यूट्रो में भी देखा। अभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बनते हैं क्वार्क से, राइट? तो न्यूट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो ये होता है, एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क, और प्रोटॉन का ये होता है दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, जो अप क्वार्क डेजिग्नेटेड एज यू, डाउन क्वार्क एज डी। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है 2/3 e, मतलब 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद पॉजिटिव साइन, एंड डाउन क्वार्क्स बियर्स चार्ज ऑफ 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3। तो अगर आप सम अप करोगे इन केस ऑफ द न्यूट्रॉन, यू विल गेट जीरो चार्ज, नेट चार्ज विल बी जीरो फॉर न्यूट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन का देखोगे तो इट विल बी प्लस ई, ओके, जो प्रोटॉन का यूजुअल चार्ज है। नाउ अभी आते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्वार्क रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मर्ज करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, सो दैट यू कैन जस्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विल अनटाई एक्चुअली ऑल द थ्योरी रिलेटेड टू द क्वार्क। एंड एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद क्वार्क रिलेटेड आपके लेवल में जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। Why the fractional charges believed to be carried by quarks within protons and neutrons, especially +2/3 e and specifically +2/3 and -1/3 into e, and are not detectable in Millikan's Oldorf experiment? The wavelength of a probe serves as a rough indicator of the extent to which it can investigate a structure in detail. The intricate quark composition of protons and neutrons is observable at a remarkably small scale, roughly around 10^-15 meters or small. This microscopic structure was initially examined in the early 1970s utilizing high energy electron beams generated by a linear accelerator located at Stanford, USA. Can you estimate the approximate energy level of these electron beams given the rest mass energy of electron 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो देखो, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के थोड़ा आपको हेवी लग रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एक्चुअली बोला गया है कि क्वार्क जो है वो फ्रैक्शनल चार्ज बियर करता है, तो उसको मिलिकन ऑयलड्रॉप मेथड से उसका चार्ज क्यों नहीं निकल सकता, ठीक है? दूसरा यह कि क्वार्क का स्ट्रक्चर डिटेल अगर जानना है तो जो इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है उसका क्वार्क का जो डायमेंशन है वो हाइपोथेसाइज किया गया है 10^15 meters पे, यानी 1 femtometer पे। अब इस फेमटोमीटर रेंज में जो प्रोब किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से इसको एक्चुअली प्रोब किया जाता है, तो कितना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेसिकली कितना एनर्जी एक्सिलरेटेड करके कितना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा हमको, तब जाके हम उसको प्रोब कर पाएंगे। और यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है। तो बेसिकली मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को प्रोब करने के साइंस क्या है, किसी भी लेंस स्केल में जब आपको प्रोब करना है, मतलब बेसिकली उसको देखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडिया लगाना है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगाना है, तो उसका जो डायमेंशन है और प्रोब, मतलब जिससे आप देखोगे, उसका वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब जो टारगेट है और जो हम जिसको हम देखना चाहते हैं, जिस लेंस स्केल में हमको छवि चाहिए, उस वेवलेंथ, उस लेंस स्केल एंड जिससे हम, जिस वेब्स के द्वारा हमको देखना है ना, जैसे हम बाहर के चीज़ों को क्या विजिबल लाइट रेंज में देखते हैं, है ना? अगर एक्सरे से देखते तो हमको पता है सुपर हीरो मूवीज में एक्सरे विजन के बारे में बात किया जाता है। तो एक्सरे मतलब क्या, एक्सरे का लेंस स्केल में जब देखना चाहते हैं और छोटी चीज़ को देखना है तो आप एक्सरे लेवल पे जाना है। तो ये दिस इज ऑल्सो सिमिलर कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्या करना है कि 10^15 meter के प्रोब अगर है तो इलेक्ट्रॉन से अगर हमको प्रोब करना है तो इलेक्ट्रॉन वेव जो होगा उसका वेवलेंथ इस रेंज में होना चाहिए।
और वो वेवलेंथ को पाने के लिए बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन को उस इतना एनर्जी में एक्सेलरेट करना होगा ताकि उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ उस रेंज में आ जाए। एक और हिंट इस प्रॉब्लम में दिया गया है, वो है कि इसका रेस्ट मास एनर्जी। अब रेस्ट मास एनर्जी दिया गया है, इसका मतलब ये है कि रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम कोई इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन वोल्टेज होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि रेस्ट मास से भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब नॉर्मल इक्वेशंस काम नहीं करेंगे, रिलेटिविस्टिकली करेक्टेड जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो दिए एक्चुअली ओवरव्यू है, ठीक है, बट फुल क्लैरिटी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो पहले हम इससे पहले कि हम प्रॉब्लम में डीप में जाए, एक डेफिनेशन आपको बताना ज़रूरी है क्वार्क का। तो जो बुकिश डेफिनेशन है, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ क्वार्क है, वो ये है कि क्वार्क इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मच स्मॉलर देन इवन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स कम टुगेदर इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट रिसाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हियर इज अ बिट मोर डिटेल, बट इस डिटेल को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड थ्रू कर सकते हो। I will come to the solution only. So ये solution जो होगा बहुत डिटेल होगा, ठीक है, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरा प्रॉब्लम को आप देखो, और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बेसिकली यू कैन से एडिशनल प्रॉब्लम भी मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो को वर्बली बताऊँगा, प्रॉब्लम को वर्बली बताऊँगा, इन रिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड अप टू द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड एंजॉय द कॉन्सेप्ट्स। So quarks do have the fractional charges, but there is a key point about their existence that explain why they are not were not observed in Millikan's oil drop experiment. Here is a breakdown. Quarks and confinement. Quarks are fundamentally building blocks of protons and neutrons, and they come in various types. And yes, they carry fractional charges, either plus 2 by 3e or minus 1 by 3e. And while E is the elementary charge, however, these quarks are confined within protons and neutrons, and the strong nuclear force which holds them together gets stronger as you try to separate them. And this means they can't exist freely in individual particles. तो यहाँ पे आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा strong force. अब मैं इसका थोड़ा एक और आइडिया दे देता हूँ, इसका strong force कितना strong होता है उसका एक आइडिया दे देता हूँ। आपको पता है कि जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो अब ये सोचो, दोनों प्रोटोन है, दोनों का चार्ज प्लस ही है, तो दोनों में कूलम रिपल्शन रहेगा। अब ये सोचो 10^-15 ऑर्डर, मतलब न्यूक्लियस के अंडर, न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो फेमटोमीटर रेंज में होता है, ठीक है, ओके। अभी क्या है, अगर आप कूलम फोर्स का एक एस्टिमेट चाहते हो तो आप प्लीज देखो, कूलम फोर्स जो होता है, रिपेलिंग फोर्स होता है, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है ना। अब आर क्या है, फेमटोमीटर में है, आर स्क्वायर है और फेमटोमीटर रेंज में है, राइट। सो आप इस चीज को देखो कि जब फेमटोमीटर रेंज में आर आ जाएगा तो कूलम फोर्स कितना हीवी होगा, कितना ज्यादा होगा। डिस्पाइट ऑफ दैट हमें न्यूक्लियसेस मिलते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे आपके कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और वो फेमटोमीटर डिस्टेंस में कन्फाइंड रहते हैं। कूलम्ब फोर्स इतना ज्यादा होने के बावजूद भी वो स्टेबल है, कैसे है, इस सब को आइडिया लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स कितना पावरफुल होता है कि इतना रिपल्शन फोर्स के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से इंटैक्ट रहते हैं ये प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर, फेमटोमीटर लेंथ स्केल के अंदर, और क्या है कि आपको स्टेबल ये न्यूक्लियस मिलते हैं, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। अभी क्या है, ये जो न्यूक्लियस के अंडर ये रहेंगे, एक चीज और भी देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका रेंज बहुत कम होता है, इसको शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो बहुत पावरफुल है पर रेंज बहुत कम है, उस न्यूक्लियस का डायमेंशन के अंडर ही क्या है इसका इफेक्ट रहता है, उससे बाहर नहीं रहता, ठीक है, उसके बाहर जो है इसका कोई पावर नहीं है।
आपके जानकारी के लिए और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि फोर्स जो होता है वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं नेचर में, क्लासीफाई करते हैं फिजिसिस्ट लोग। एक है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसके बारे में अभी मैंने इलेबोरेटली बात की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है। दो और फोर्सेस है, एक के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और लास्ट वन है वीक फोर्स। ठीक है, तो ये चार फोर्स होते हैं। और नाउ लेट्स डिस्कस द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ टाइनी चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सिंस द एक्सपेरिमेंट डील्ड विद द चार्जेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इट ओनली इंटरैक्टेड विद फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड एग्जिस्ट फ्रीली। इन एसेंस, बिकॉज क्वार्क्स आर कन्फाइंड विद इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन टू मेजर द चार्ज ऑफ फ्री पार्टिकल्स, द फ्रैक्शनल चार्जेस ऑफ क्वार्क्स वर नॉट ए फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब ये है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप्स से इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निकल सकता है, बट क्योंकि वो फ्री पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, क्वार्क्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से इतना इंटैक्ट रहते हैं, वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हमको जो सामान्य अवस्था में उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसके लिए बहुत हाई एनर्जी से उसको तोड़ना पड़ेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जो बहुत ही डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो क्या होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप जैसे एक्सपेरिमेंट्स के स्कोप में ही नहीं आता इसका चार्ज निकालना। इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर द चार्ज ऑफ क्वार्क्स बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, प्रोबिंग द स्मॉल, बेसिकली क्वार्क को प्रोब कैसे करें। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। पहले तो उसका परिचय पत्र मिल गया, डेफिनेशन मिल गया, चार्ज मिल गया, है ना, और कैसे इंटैक्ट रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, वो भी मिल गया। अब उसको प्रोब करना है, उसको क्वालिफाई, मतलब क्या बोलते हैं, उसको स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत मुश्किल चीज़ है, हाईफाई चीज़ है। तो ये किया था किसकी, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था 1970s में। कैसे किया था, द क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैज लेड फिजिसिस्ट टू एक्सप्लोर एवर स्मॉलर रियल्स। इन द अर्ली 1970s ए ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA where scientists successfully probed the structure of protons and neutrons, revealing their quark composition. This experiment relied on high-energy electron beams, and the problem asks us to estimate the energy scale required for such an investigation. तो अभी जो second part of the problem है वो क्या पूछता है, ये जो probing इन लोगों ने किया था वो किस energy range पे किया होगा, मतलब electron को कितना ज़्यादा भगाए थे, कितना acceleration से भगाए थे, ताकि इनको क्या हुआ, प्रोब इलेक्ट्रॉन वॉज एबल टू प्रोब द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट इज द क्वार्क्स। ओके, अभी थोड़ा न्यूमेरिकल के थ्योरी में आते हैं, उससे पहले थोड़ा प्रोबिंग को भी समझ लेते हैं, एक्चुअली बताया बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, इन माई नोट एक्चुअली इट इज बीन कवर्ड। ओके, सो रिलेटिंग वेवलेंथ एंड एनर्जी, द कॉम्पाउंड कनेक्शन, द कनेक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स वेवलेंथ, ओके, जस्ट एज रिपल्स, द पावर ऑफ वेवलेंथ, जस्ट एज रिपल्स ऑन ए पॉन्ड रिवील द साइज ऑफ ए पेबल कॉजिंग देम द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोबिंग पार्टिकल provides information about the structures it can interact with. Shorter wavelengths allow for more detailed exploration of smaller objects. In this experiment, the target was the hypothesized quark structure within protons and neutrons, believed to be on order of 10 to the power minus 15 meters, that is femtometers. Therefore, the electron beam needed a wavelength comparable to the size scale to effectively interact with quarks. तो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम पढ़ने के टाइम पे बताया था, आपको अगर शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर लेंथ स्केल को प्रूव करना है, तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ का बीम जनरेट करना पड़ेगा, शॉर्टर वेवलेंथ का वेव जनरेट करना पड़ेगा, दैट कैन प्रूव इट। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इसका वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए किसका, जो हाइपोथिसाइज लेंथ स्केल बोला गया है 10 to the power 15 meter,
इस रेंज में क्या होना चाहिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभी आप एक चीज देखो कि एनर्जी स्टेटमेंट जो है बोला गया है प्रॉब्लम में कि एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली आपको इससे आप समझ पा रहे हो कि आपको वेवलेंथ पता है और वेव नेचर के साथ इनर्शियल नेचर को जो कनेक्ट करता है उसका एक ही इक्वेशन दिया गया है इस चैप्टर में, वो क्या है, वह डी ब्रॉयली वेवलेंथ है ना। बट यहाँ पे क्योंकि रिलेटिविस्टिक रिलेशन लगेगा तो हमें डी ब्रॉय का ही रिलेशन का ही एक और मॉडिफाइड फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्प्टन कनेक्शन। ठीक है, बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स द डी ब्रॉय रिलेशन ओनली बट इन रिलेटिविस्टिक रीजन। ओके, सो एज यू कैन सी लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। ठीक है, कौन सा क्या है आपको पता होना चाहिए इफ़ यू हैव ऑलरेडी फॉलोड माई वीडियोज और द टेक्स्ट बुक्स से पढ़ के अगर आप जंप किए हो इस वीडियो में, देन ऑल्सो एच बेसिकली प्लैंक कॉन्स्टेंट है। एम सी क्या है, एम है आपका रिलेटिविस्टिक मास, नॉट द रेस्ट मास। ओके, बिकॉज एज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम द डेटा वन थिंग शुड बी क्लिक इन योर माइंड दैट ये जो एनर्जी रेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, वो रेस्ट मास से बहुत ज्यादा होगा, तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई जो मास होगा वो रिलेटिविस्टिक रीजन पे होगा। एंड सी है स्पीड ऑफ लाइट। अभी क्या है देखो, ये भी ना, ये जो एम सी है बेसिकली इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स डिराइव। आपके पास है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। अब अगर एम सी को अगर लिखो एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, अब दोनों साइड में सी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एम सी का मतलब क्या है, एनर्जी इन केस ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। सो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यू जस्ट प्लग द वैल्यूज एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा 10^-15, यू विल एबल टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Right, so do it, and who are not able to do it will and also verify it by continuing the video. Who are not able to do it or या फिर आपके पास आप कभी travel करते हैं इस video को देख रहे हो, then you just have to continue this watching this video by which you will able to see the whole derivation or calculation actually. तो जैसा कि मैंने बताया h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसको हम प्लग करेंगे, तो देखिए प्लग कैसे करते हैं। गिवन द टारगेट साइज ऑफ 10^15 मीटर एंड इलेक्ट्रॉन्स मास अप्रोक्सीमेटली 0.511 मेगा एबी पर सी स्क्वायर, वन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ यूजिंग द कॉम्प्टन वेवलेंथ इक्वेशन एंड दिस कैलकुलेशन यील्ड्स ए वेवलेंथ ऑफ अराउंड 10^15 मीटर। अब देखो ये थोड़ा एक्चुअली इलाबोरेशन है, एग्जैजरेशन है प्रॉब्लम का। हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, एनर्जी को हम कैसे निकाल लेंगे, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है ना। तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, नॉट द प्रीवियस पार्ट। ओके, दिस पार्ट में, इस पार्ट में एक्चुअली अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। So in particle physics, energies are often expressed in electron volts. Okay, and अगर हम just इसको आप calculate करोगे तो you will get energy in the range of 12.4 GeV, that is tens of GeV. You just calculate it by plugging it the values in your calculator. You will able to see that कि जो energy रहेगा वो tens of GeV energies में रहेगा। अब इस result का significance क्या है, हम उसको समझते हैं। This problem provides valuable insights into the relationship between the size of a structure and the energy required to probe it, and it highlights the concept of Compton wavelength as a tool.
So beyond this calculation, it's important to acknowledge that the actual energy of the electron beam used in the experiment might have differed slightly depending on the specific setup and desired level of detail in the investigation. Additionally, the concept of a point like quark is constantly being refined in physicists, refined as physicists delve deeper into the subatomic level. In conclusion, this problem not only helps us to estimate the energy scale required for proving the quark structure, but also offers a glimpse into the fascinating world of particle physics, where scientists use powerful tools to unravel the fundamental nature of matter and energy. The successful probing of the quark structure in 1970s marks a significant milestone of understanding of matter. It validated the standard model of particle physics, which posits quarks as the fundamental building blocks of protons and neutrons. This discovery continues to fuel research in areas like quantum chromodynamics, the theory governing the strong nuclear force that binds quarks together. So, agar is problem mein आपको कोई भी दिक्कत आया होगा, कोई भी डाउट आया होगा, प्लीज कमेंट इट. आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो इफ द डाउट इज सो मच, टू मच. अदरवाइज इफ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन ओनली, आई विल डू दैट ऑल्सो. सो इन दिस वीडियो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड ओवरऑल एनहेंस. It will enhance your overall understanding. And let's meet in your next video. Please like, comment, and subscribe the Feverz.